Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. Bolo Zubaan Kesari. अमेठी, रायबरेली और कैसरगंज, इन तीन सीटों पर जो सस्पेंस था, जो धुंध छाई थी, वो अब लगभग लगभग छट गई धुंध। अब साफ दिख रहा है, आर पार दिख रहा है। अमेठी से लगभग ये तय माना जा रहा है कि राहुल गांधी कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर कल सुबह 11 बजे नामांकन दाखिल करेंगे। रायबरेली में भारतीय जनता पार्टी ने योगी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह को उतारा है। दिनेश प्रताप सिंह 2019 में सोनिया गांधी जी के विरुद्ध भी चुनाव लड़े थे और अच्छा चुनाव लड़े थे। सोनिया जी का जीत का मार्जिन बहुत कम रह गया था 19 में। अब रायबरेली से कांग्रेस किसको उतारेगी, इस पर इसलिए बहुत सस्पेंस नहीं है क्योंकि माना संकेत है कि प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ना चाहती, तो स्वाभाविक है फिर कांग्रेस का कोई सहज सामान्य नेता चुनाव लड़ेगा। और सबसे कौतूहल था, सबसे ज्यादा कौतूहल था कैसरगंज में। ब्रजभूषण शरण सिंह के दबदबे का क्या होगा? ब्रजभूषण को टिकट मिलेगी, कटेगी? ब्रजभूषण के परिवार में किसी को मिलेगी या परिवार भी किनारे कर दिया जाएगा? तीसरा, भारतीय जनता पार्टी किसी अन्य को उतारेगी? इन सब सवालों का उत्तर आज भाजपा ने दे दिया। ब्रजभूषण के छोटे बेटे करण को टिकट मिली और कल 11 बजे करण भी नॉमिनेशन दाखिल करेंगे कैसरगंज में। कैसरगंज का रहस्य, रोमांच, वहां की उत्तेजना सब समाप्त हो गई। अब सामान्य चुनाव है, ठीक है, ब्रजभूषण चुनाव लड़ना जानते हैं, चुनाव की आर्ट उनको आती है। धाबम धाब उनका एक जुमला है, तो कल से धाबम धाब है फिर कैसरगंज में। अब देखना है कि समाजवादी पार्टी किसको लड़ाती है वहां, वो थोड़ा सा एक विषय रहेगा। लेकिन आज शाम होते होते बहुत सारी तस्वीर साफ हो गई और एक जो मामला थोड़ा सा कहीं हिलगा हुआ है कि रायबरेली में कांग्रेस का उम्मीदवार कौन, वो भी रात तक साफ हो जाएगी तस्वीर, क्योंकि कल अंतिम दिन है। कल 11 बजे पर्चा भरो या 3 बजे पर्चा भरो, लेकिन भरना इसी के बीच में पड़ेगा, वरना पर्चा नहीं भर पाओगे। इसलिए सारा कौतूहल समापन की ओर और अब चुनाव के मैदान में अपनी अपनी ताकत दिखाइए। ब्रजभूषण के मामले में भारतीय जनता पार्टी ने बीच का रास्ता लेने की कोशिश की है। महिला पहलवानों के यौन शोषण के मामले में फंसे हैं ब्रजभूषण, आरोपों में मुकदमा चल रहा है, तो ब्रजभूषण को टिकट नहीं दी। लेकिन टिकट को ब्रजभूषण के हवेली से बाहर भी नहीं लाई भाजपा। भाजपा ने अपनी टिकट को ब्रजभूषण के घर में ही रखा और ब्रजभूषण के बड़े बेटे प्रतीक अभी भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक भी है उत्तर प्रदेश में। ये छोटे है करण जो लोकसभा का चुनाव लड़ेगा। इसका मतलब भाजपा ने इस बात को स्वीकार किया कि ब्रजभूषण की नाराजगी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अगर भाजपा ब्रजभूषण की हवेली से टिकट बाहर ले जाती तो ब्रजभूषण और भाजपा में अलगाव हो जाता, टकराव हो जाता, यह तय था। फिर ब्रजभूषण कुछ और विकल्पों की ओर देखते, उसमें दोनों दल हैं अभी वहां बाहर, सपा बसपा। लेकिन शायद भाजपा को लगा कि गोंडा
और उसके आसपास के परिक्षेत्र में जो ब्रजभूषण का असर है उसमें नुकसान हो सकता है, इसलिए शायद भारतीय जनता पार्टी ने ब्रजभूषण को आधा दुखी और आधा सुखी कर दिया, आपको टिकट नहीं देंगे आपके बेटे को दे देंगे, ये की स्थिति। और कांग्रेस में तमाम मीटिंग और चर्चा परिचर्चाओं के बाद यह तय हो गया कि राहुल गांधी कल सुबह अमेठी से पर्चा भरेंगे। 19 में राहुल गांधी वहां से पराजित हुए थे स्मृति ईरानी के मुकाबले में, 24 में वो वहां से फिर लड़ने आ रहे हैं। वायनाड से वो चुनाव लड़ रहे थे, 52 मतदान हो चुका है 26 तारीख को, अब अमेठी से पर्चे भरेंगे। तो कुल जमा 3 महत्वपूर्ण सीटों का रहस्य रोमांच अब समापन की ओर है, कथा का पंचम अध्याय हो रहा है, इसके बाद आरती होगी। अब देखना यह होगा कि 4 जून को नतीजे क्या कहते हैं। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की है, जरा उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से आपका परिचय कराएं, फिर बहस में चला। केसरगंज, अमेठी और रायबरेली तीसरे चरण के चुनाव से पहले 3 सीट, 3 तारीख और 3 चेहरों को लेकर देश भर में हर चौक चौराहे पर चर्चा और चकल्लस है। सवाल यही कि आखिर सस्पेंस क्यों और कब तक। दरअसल पांचवें चरण की इन 3 सीटों पर वैसे तो 20 मई को मतदान होगा, लेकिन नामांकन की आखिरी तारीख 3 मई है। बावजूद इसके उम्मीदवारों के नाम पर भी तारीख पर तारीख मिल रही है, लेकिन उम्मीदवारों का फाइनल ऐलान नहीं हो रहा है। हालांकि कई दिन से लग रहे कयासों के बीच केसरगंज की कहानी में करण का किरदार सामने आया है। केसरगंज से ब्रजभूषण की जगह उनके बेटे करण भूषण सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। नवाबगंज के पैतृक गाँव विष्णुहरपुर का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमे करण भूषण सिंह ने पिता के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और सांसद के समर्थकों ने जिंदाबाद के नारे लगाए। हालांकि इन हालात में सपा ने भी केसरगंज पर अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। इस दंगल में 2 और सीटों पर देश भर की नजर है। अमेठी रायबरेली में कांग्रेसी कुनबे की कंफ्यूजन बरकरार है। गांधी परिवार से कभी हाँ कभी ना की कहानी में अभी कोई कुछ कहने को तैयार नहीं है। गेंद अभी सोनिया गांधी तो कभी खड़गे के पाले में खिसकाई जा रही है। बीजेपी ने रायबरेली से दिनेश प्रताप पर दांव लगाया है। अमेठी में बीजेपी से स्मृति ईरानी नामांकन भी दाखिल कर चुकी हैं। इसी बीच कई नामों को लेकर भी खूब कयास लगाए जा रहे हैं। उम्मीद है कि आज कोई घोषणा, सीईसी ने पूरा अधिकार कांग्रेस अध्यक्ष को दे दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोच रहे हैं, बातचीत हो रही है, विचार विमर्श हो रहा है और मुझे उम्मीद है कि आज शाम तक कोई ना कोई घोषणा निकल आएगा। बिल्कुल औपचारिक तौर से, औपचारिक तौर से, ऐसे तो कोई कई अफवाहें हैं, पर औपचारिक तौर से रायबरेली और अमेठी को लेकर कौन हमारे उम्मीदवार हैं, कांग्रेस प्रेसिडेंट की ओर से एक घोषणा जरूर आएगा। देखिए, मेरा मानना है कि अमेठी में राहुल जी को बहुत सालों से जनता ने आशीर्वाद दिया। 5 साल में जिस प्रकार से एक बार चुनाव हारे, ठीक है, उससे कोई बड़ी फर्क नहीं पड़नी चाहिए, जनता से संपर्क बरकरार रहना चाहिए था अमेठी की जनता से। रायबरेली ने सालों से आशीर्वाद दिया। आई थिंक कल नॉमिनेशन का आखिरी दिन है और अभी तक उसके ऊपर डिसीजन नहीं लेना, कहीं ना कहीं उनके जो सलाहकार है वही कोई लेफ्टिस्ट एडवाइस के मुझे लगता है नेता शिकार है। जनता को चुनाव में हार जीत एक लोक प्रक्रिया का पार्ट, लोकतंत्र का पार्ट है। जनता का आशीर्वाद अगर आपको लेना है, अगर जनता नाराज भी है, दिल खोल के जाना चाहिए, वापस आशीर्वाद मांगना चाहिए था, बट नॉमिनेशन के एक दिन पहले भी असमंजस होना कहीं न कहीं उनके जो लेफ्टिस्ट सलाहकार है उनकी देन हो सकती है। बहरहाल रायबरेली में बीजेपी और कांग्रेस के कदम पर सबकी नजर गढ़ी है। अमेठी के संग्राम में भी उम्मीदवार के नाम का बेसब्री से इंतजार है। अब जब 3 तारीख को दोपहर तक नामांकन होना है तो इस दहलीज पर सवाल यही है कि आखिर इतना सस्पेंस क्यों बनाया जा रहा है, कब होगा उम्मीदवारों का फाइनल ऐलान।
एक छोटा सा विज्ञापन देख लीजिए, फिर मेहमानों से परिचय करें और फिर बहस में चलें। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल बोलो जुबान केसरी। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। मान गया बेटा, पर अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर एक। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर वन सीमेंट। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं, सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। ये वाला लेते हैं इन्वर्टर एसी। आप गैम्बलर हो ना? गैम्बलर? जुआ खेलते हो ना? तुम जुआ खेलते हो? अरे नहीं, ये तो कुछ भी बोले जा रहे हो। इतनी महंगी और नाजुक एसी खरीद कर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो ये जुआ नहीं हुआ तो क्या हुआ? सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपके इन्वर्टर एसी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है, उसे वी गार्ड से सुरक्षित रखिए। वी गार्ड, इंडियाज नंबर वन स्टेबलाइजर। डॉक्टर अवधेश उपाध्याय, भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ हैं। अवधेश जी का स्वागत है। विजय राठी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता विजय राठी साहब का बहुत स्वागत है। विकास श्रीवास्तव, कांग्रेस के प्रवक्ता विकास श्रीवास्तव जी का स्वागत है। मनीष अग्रवाल, राजनीतिक विश्लेषक, मनीष जी का बहुत बहुत स्वागत। मनीष जी, राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ताओं के नेताओं के पास जाऊँ, उससे पहले एक टिप्पणी आपसे लूँगा। लगभग धुंध साफ हो गई। कांग्रेस ने अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया, लेकिन मोटे तौर पर ये कल 11 बजे राहुल गांधी नॉमिनेशन करेंगे अमेठी से। प्रियंका गांधी नहीं लड़ रही हैं, इसी खबर आ रही है। तो रायबरेली से अब केएल शर्मा भरे या कोई भरे पर्चा, फिर तो सामान्य घटना है। बीजेपी ने रायबरेली और कैसरगंज दोनों घोषणा कर दी। अब आगे क्या? बीजेपी ने रायबरेली में दिनेश प्रताप सिंह को उतारा है, जो 19 में भी लड़े थे सोनिया जी के विरुद्ध, और कैसरगंज में आधी खुशी आधा गम। ब्रजभूषण को टिकट नहीं, लेकिन ब्रजभूषण के घर से बाहर टिकट नहीं गई। मनीष अग्रवाल, नमस्कार। अमिताभ जी, भाजपा से यही उम्मीद थी कि ब्रजभूषण शरण सिंह के घर के बाहर टिकट नहीं जाएगा, महिला पहलवानों के मुद्दे की वजह से, और जो कर्नाटका में अभी हुआ है उसकी वजह से भाजपा ब्रजभूषण शरण सिंह को डायरेक्ट टिकट देने से परहेज कर रही थी। अब अगर हम रायबरेली और अमेठी पे आते हैं तो अमिताभ जी, आपसे अच्छा कौन जानता होगा कि फूलपुर से जवाहरलाल नेहरू जी चुनाव लड़ते थे, उसके बाद वहां से माफिया अतीक अहमद ने चुनाव लड़ा। आज कौन जानता है, कितने लोग जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जी कहाँ से चुनाव लड़ते थे? क्या उनसे बड़ा कांग्रेस में कोई नेता था? तो क्यों इतने दिन से जनता को पशुपेश में रखा, आज भी वो टिकट अनाउंस नहीं कर रहे हैं? 2019 में राहुल गांधी हारे थे, वो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आप इतने दिन तक उस टिकट को रोके हुए हो, जनता को क्या मैसेज दे रहे हो? एक मेरा सवाल है जो इसके फॉलोअप सवाल में जाता है। जैसा आप कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे होंगे, कल राहुल गांधी जी को टिकट मिल जाएगा, वो नॉमिनेशन कर देंगे, क्या उसके बाद वो ये बताना चाहेंगे कि वो जीतेंगे, वो दोनों सीट जीतेंगे? कांग्रेस यही कहेगी हमेशा। तो क्या वो वायनाड रिटेन करेंगे या अमेठी रिटेन करेंगे? कौन नहीं जानता कि वो वायनाड रिटेन करेंगे, क्योंकि उन्हें एक विशेष जाति के वोटों के ध्रुवीकरण को करना है। अब अमेठी की जनता को पहले से ही मालूम है, लड़ने से पहले ही, कि ये जीतने के बाद भी हमको छोड़ के चले जाएंगे, इसीलिए वो जनता जो है स्मृति ईरानी की तरफ ज्यादा आकर्षित है। यही कांग्रेस की स्ट्रैटेजी की गलती है। आप सामान्य कार्यकर्ताओं को आगे नहीं बढ़ाते, आपने पहले से नीति को घोषित कर रखा है कि मुझे वायनाड छोड़ना नहीं है, तो फिर अमेठी आके क्यों जनता का समय खराब करना है? आप किसी सामान्य कार्यकर्ता को वोट? अभी रुकना होगा, दोबारा में आएंगे। विकास श्रीवास्तव, क्या ज्यादा समय, मतलब जरूरत से ज्यादा समय ले लिया गया? चूंकि सब जानते हैं, न सीसी न पीसी, सब कुछ नहीं भाई, गांधी परिवार में उन्हीं तीन लोगों को निर्णय करना है, और निर्णय करके टेलीफोन बता देना है कि भाई ये लड़ेंगे या ये नहीं लड़ेंगे, उसी को फॉर्मुलाइज कर देना है पार्टी के सिस्टम में, इतना ही होना था। फिर इतना पशुपेश बार बार, आज तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, जैसी स्थिति होती रही ऐसी खबरें चलती रहीं या चलवाई जाती रहीं कि कर्नाटक से लौटते हुए खड़गे जी से बात करेंगे, राहुल गांधी, फाइनल बात होगी। ये एक
ऐसा माहौल क्यों बनाया गया? सहज रूप से भी ये हो सकता था कि राहुल गांधी लड़ेंगे और कल नॉमिनेशन करना है तो आराम से कर नॉमिनेशन हो जाता। विकास जी, देखिए पशुपेश में कांग्रेस नहीं है, पशुपेश में है भारतीय जनता पार्टी। राहुल गांधी जी और गांधी परिवार की ये परंपरागत सीट है, इसमें पशुपेश का कोई मैटर ही नहीं। अभी समय बहुत है, 3 तारीख लास्ट डेट है नॉमिनेशन की, तो जब हमारी परंपरागत सीट है और अमेठी रायबरेली के जनता से डायरेक्ट आत्मीय लगाव परिवार का मामला है तो उसमें पशुपेश का कहां प्रश्न उठता है? पशुपेश में निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी है। अच्छा ठीक, विजय राठी जी मेरे ख्याल से अब आपकी भी चिंता दूर हुई, आप भी देहरी बैठे थे केसरगंज में कि अगर ब्रजभूषण का और इनके परिवार का मामला हो, ब्रजभूषण को बीजेपी अलग करे तो हम ब्रजभूषण से कहेंगे भैया आ जाओ, नहीं? इसीलिए आप भी सांस रोक के बैठे थे कि गुरु रुक जाओ, देख लें क्या खेल है। अब मेरे ख्याल से आपको भी घोषित करने में अब तो कोई समस्या नहीं, खेल की बात नहीं है अमिताभ जी, हम आवाज आ रही है आपको मेरी? जी आ रही, आ रही भाई, आ रही जी। देखिए खेल की बात नहीं है, ये तो स्ट्रेटजी होती है पार्टी की, कब घोषित करना है। हमने तो देखिए मेरठ में, अगर आप देखें जिस दिन नॉमिनेशन था उस दिन जनरल सीट पे एक एससी समाज के बड़े नेता को हेलीकॉप्टर से टिकट देके आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भेज दिया और मेरठ की सीट हम जीत भी रहे। तो ऐसा नहीं है कि हम किसी चीज में, वो सब स्ट्रेटजी होता है। पशुपेश में तो भारतीय जनता पार्टी थी, भारतीय जनता पार्टी के दर्शन में हाल ये हो गया था कि उनका करें क्या, क्योंकि जिस तरीके से लेके सहारनपुर से और गुजरात तक एक पर्टिकुलर समाज ने विरोध जताया, उससे इनको लगा कि अगर काट दिया तो शायद भैंस बिल्कुल पानी में ना चली जाए। अभी तो झोड़ के इर्द गिर्द खड़ी थी थोड़ी बहुत। अब हुआ क्या कि अब वही जो आपने कहा कि आधा गम आधी खुशी दे दी, हवेली से बाहर ले जाए तो भी मरे और अगर रखें तो मुद्दा उठता है, जो पूरा देश जिस पे उबल रहा था, जो बहन बेटियों के साथ जो आरोप लगे थे, वो पूरे देश ने देखा, सब टीवी चैनल पे, सब तमाम मीडिया में चला। इसी पशुपेश में एक तरीके से इन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी और इन्हें लगा कि चलिए देखते हैं जो भी होगा वो देखा जाएगा, और इसी के साथ ये लोग गए। अगर देखा जाए टिकट उनके बेटे को दिया, लेकिन उसी घर में है, चुनाव कौन लड़ेगा वो सब जानते हैं, कौन लड़ाएगा, क्या करना है क्या है वो सब दिख रहा है। लेकिन मैं आपसे एक चीज बता दूं अमिताभ जी, देखिए हम भी दो अमिताभ को मानते हैं, या तो अमिताभ बच्चन या अमिताभ अग्निहोत्री, दो ही हिंदुस्तान में फेमस है। तो आप इस बात को जानते हैं कि आप कान इधर से पकड़िए उधर से पकड़िए, जो जनता है वो सब देख रही है। और जैसे फर्स्ट फेज के बाद से, लास्ट कंप्लीट कर दिया, फर्स्ट फेज के बाद से जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी की भाषा बदली है और नीचे उनके कार्यकर्ताओं की सब लोगों की, तो उससे पता चल गया कि ये कहां जा रहा है। ठीक, अभी आप भाई मुश्किल ये कि विजय राठी जी ने कहा कि भाई कौन चुनाव लड़ेगा सब जानते हैं। हाँ सब जानते हैं, और 1952 से लेके भारत की राजनीति में ये टोटका चलता रहा आ रहा है। क्या कहीं बहू लड़ा दी, कहीं बेटा लड़ा दिया, कहीं दामाद लड़ा दिया, कहीं बिटिया लड़ा दी, कहीं बीबी लड़ा दी, क्या लोग मुख्यमंत्री बना गए पत्नियों को, जनता नहीं जानती कौन फाइल पर आर्डर कर रहा है, मतलब दस्तखत किसके हैं और निर्देश किसका है। ये भारत के लोकतंत्र का दुर्भाग्य है, बाप को जेल हो गई बेटा लड़ गया, बेटा को जेल हो गई बाप लड़ गया, और सबको जेल हो गई तो बीवी लड़ गई। नहीं, ये राष्ट्रीय कार्यक्रम तो भारत में चल ही रहा है। अब इसमें किसको किस मौसम को गाली दे और किस मौसम को पूजे हम, मसला तो ये है। नहा तो सब एक ही मुद्रा में रहे हैं ना, घाट एक है, नहा एक ही उसमें रहे नदी में भैया। तो क्या ब्रजभूषण और क्या दूसरे भूषण, सबकी पार्टियों में भूषण है आभूषण है। खैर, डॉक्टर अवधेश उपाध्याय, आप भाजपा ने भी कैसरगंज की टिकट अनाउंस करने के बाद राहत की सांस ली होगी, ठंडा पानी पिया होगा, कहा होगा चलो भैया जान छूटी बवाल खत्म हुआ। नहीं, आफत ही हो गई थी, जितनी मीटिंग कांग्रेस में हो रही थी राहुल गांधी को मनाने के लिए,
कि खड़गे जी ने सोनिया जी से बात की, सोनिया जी ने वेणुगोपाल से बात की, वेणुगोपाल ने प्रियंका से की, प्रियंका ने वाड्रा से की, वाड्रा ने राहुल से की, राहुल ने वेणुगोपाल से की। उतनी ही मीटिंग हो रही थी ब्रजभूषण के लिए भी, क्या कि तुम्हें मेरी कसम मान जाओ, बीबी को लड़ा लो, बच्चे को लड़ाओ, चाची से लड़ा लो, कि तुम ना लड़ो, मान जाओ, मान जाओ, नहीं हमारी मानो, कसम है तुम्हें हमारी मानो, क्या अब आपको भी राहत आई होगी, चलो गुरु जान में जान आई बबाल कटा, क्या जी। देखिए अमिताभ जी, जी अगर हम बात करें कांग्रेस की, अरे कांग्रेस की बात में करना, यही तो बीमारी, हर पार्टी जिस पार्टी के प्रवक्ता से पूछो वो कहता है मैं दूसरी पार्टी पे पूरा प्रवचन दे लूं, फिर आप पहले अपने ना 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 पहले अपने बोलो, फिर कांग्रेस पे, जनता दल पे, लोक दल पे बाद में। पहले मैं अपने बोलता हूँ। देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो रणनीति है, जो एक परिवार है भारतीय जनता पार्टी का, वो सब मिलजुल कर निर्णय लेते हैं, इसमें किसी को मनाने की, किसी को रूठने की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है, क्योंकि यहाँ क्या है, यहाँ एक बंद कमरे में होकर कोई निर्णय नहीं लिया जाता। जिस तरह से आपने देखा होगा जो एक पारिवारिक पार्टियां हैं वो एक कमरे में बंद होकर ही निर्णय लेती है, बाहर नाटक दिखाती है कि मैं उससे पूछ रहा हूँ, मैं उससे पूछ रहा हूँ, कोई किसी से नहीं पूछता है, वो केवल एक कमरे में बंद होकर निर्णय लेते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की खासियत ये है, कोई भी यदि निर्णय लिया जाता है तो वो सार्वजनिक रूप से लिया जाता है, उसके लिए कमेटी बनती है, वो कमेटी निर्णय लेती है, उसमें हर तरह के लोग होते हैं, ये नहीं है एक परिवार के लोग होते हैं। रही बात कांग्रेस पार्टी की, देखिए कांग्रेस पार्टी जो चिंतन इस समय कर रही है, अगर यही चिंतन जब इनका शासन था और जब इनकी अपनी लोकसभा सीट थी, जब ये सत्ता में काबिज थे, उस समय अगर ये अपना चिंतन कर लेते तो शायद आज इनको इतना चिंतन और मंथन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आपको याद है अमिताभ जी, याद दिला दूं आपको, राहुल गांधी ने क्या कहा था, अभी पिछले साल की बात है, कि वायनाड में ज्यादा बुद्धिमान लोग हैं और अमेठी में जो लोग हैं वो थोड़ा कम हैं, उनमें थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं और वायनाड में ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। अब बताइए किसका अपमान किया राहुल गांधी जी ने। अब राहुल गांधी जी यदि चुनाव लड़ते भी हैं 1% अमेठी से, तो क्या मुंह लेकर जाएंगे अमेठी वालों के पास? भाई भरे मंच से ये बात कहा था, वीडियो पड़ी होगी सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर सबने देखा होगा। तो अब मैं सोचता हूँ राहुल गांधी अगर 1% जाते भी हैं अमेठी ने, तो क्या मुंह लेकर जाएंगे भैया? तीन बार वहां से सांसद बने अमेठी से, सोनिया गांधी जी बनी रायबरेली से अलग, लेकिन किया क्या? एक धैर्य का काम नहीं किया वहां पर। आज अमिताभ जी अमेठी में सैनिक स्कूल है तो भाजपा की देन है वो, ठीक। आज यदि वहां पर आईटीआई स्कूल खुला है बच्चों के लिए, भाजपा की देन है वो। आज यदि मेडिकल कॉलेज अमेठी में खुला है तो भाजपा की देन है वो। आज अमेठी की जो जनता है पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार से खुश है, और वो फिर दोबारा से भाजपा को लाना चाहती है अमेठी रायबरेली। ठीक ठीक, अब रुक जा भाई। अवधेश जी पूछ रहे थे राहुल जी कौन सा मुंह लेके जाएंगे, अरे यही मुंह लेके जाएंगे, और क्या प्लास्टिक सर्जरी कराएंगे? गजब कर रहे हो यार, अरे बहुत होगा, धो लेंगे, नॉमिनेशन से निकल ले पहले, इससे बात कोई मतलब नहीं। अरे रुको भाई, राजनेताओं के लिए ये समस्या नहीं होती, ये हमारे जैसे लोगों के लिए समस्या है कि अब क्या कहें, तब ऐसा बोला था, अब कैसे ऐसा बोल दें। नेता हर 2 मिनट में कुलांटी मार जाएगा, उसकी सेहत में क्या फर्क भैया, मन की मौज है। जैसे आदमी कपड़ा बदलता वैसे नेता पार्टी नहीं बदल देते, तो ये वीडियो किसका पड़ा, इसका क्या लेने देना। मुझे याद है ब्रजभूषण का, एक ब्रजभूषण से पत्रकार ने पूछा कि आपकी टिकट का क्या होगा, तो ब्रजभूषण ने कहा कौन है जो ब्रजभूषण टिकट काटेगा, उसका नाम बताओ, कौन काटेगा, आप काटोगे, आपकी हैसियत है, काट पाओगे? ठीक है, कट गया, बेटे को मिल गया। ब्रजभूषण ने कह दिया मैं पार्टी का अनुशासित सिपाही हूं, बात खत्म हो गई, दोनों वीडियो चलते रहेंगे। नेता की सेहत पर इन सब से फर्क नहीं, चाहे राहुल गांधी हो चाहे ब्रजभूषण हो, ठीक है, सब कोई दिक्कत नहीं। उनने कहा होगा तो अमेठी में जितने देख लिया वो ठीक है, अगली बार अमेठी आएंगे तो कह देंगे अमेठी में वायनाड से ज्यादा काबिल है, वायनाड में तो चुनाव हो गया, वहां तो ईवीएम बंद हो गई ना, बोल देंगे कि क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन एक बात है अमिताभ जी, ठीक एक बात है, ईवीएम पर सवाल ना उठा लेंगे राहुल गांधी जी, क्या कहीं अगर मान लो वायनाड से वो जीत जाते हैं, अमेठी से हार जाते हैं, तो कल को ये ना कहें कि अमेठी की ईवीएम खराब थी। ठीक,
नहीं आप किसी भी ठीक है रुक जाइए मनीष जी के पास चलूंगा, लेकिन भाई आप किसी नेता पर ये रोक कैसे लगा सकते हो कि आप इतनी 360 डिग्री पर नहीं घूमोगे? मेरी मर्जी, मैं नेता हूं, मैं चाहे जैसे घूमू। मैं ये भी कह सकता हूं इस विधान 5 विधानसभा है मान लो किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में, मेरी मर्जी, मैं कह सकता हूं 2 विधानसभा में ईवीएम खराब की गई और 3 में ठीक रिजल्ट आया, कौन रोक लेगा? पुलिस पकड़ लेगी? नहीं ना मनीष बाबू जी, जी नेता मारे, नेता को थेतराई करने के लिए कोई लिमिट तो तय है नहीं जी। ऐसा भी कह सकते हैं कि भाई 3 विधानसभा में ईवीएम गड़बड़ थी, 2 में पवित्र थी, कौन रोक लेगा जी? फिर अब क्या लग रहा है मनीष जी, केसरगंज वाला मामला जिस कारण से ब्रजभूषण की टिकट कटी और उसके स्थान पर उनके बेटे को टिकट मिली, इससे मैसेज साफ हो जाता है कि भाई हम ब्रजभूषण से अलग खड़े हैं, या ब्रजभूषण का बेटा लड़ रहा है इसको माना जाए कि ब्रजभूषण ही लड़ रहे हैं प्रकारांतर से? नहीं, ये एक मैसेज नहीं होगा, एक नैरेटिव ये भी होगा काउंटर? अमिताभ जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, माना यही जाएगा कि ब्रजभूषण सरन सिंह खुद चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इस नैरेटिव से बचा जा सकता है कि चूंकि उनके ऊपर कुछ संगीन आरोप लगे हैं तो जब तक न्यायालय उस पर फैसला नहीं दे देता तब तक पार्टी ने उन्हें अपना प्रत्याशी नहीं बनाया है, क्योंकि ठाकुर वोटों पे भी इम्पैक्ट आएगा और हरियाणा में कुछ जाट वोटों पे भी इम्पैक्ट आना था, अभी तो हरियाणा को चुनाव में जाना है, इसलिए भाजपा ने स्ट्रैटेजी के तहत ये डिसीजन लिया। और अगर ब्रजभूषण सरन सिंह के केस पे जो फैसला लंबित था जिसमें डेट्स पड़ती जा रही थी, अगर वो फैसला सही समय पे आ जाता तो ये डिसीजन करना बहुत आसान हो जाता, अगर उनके विरोध में आता तो उनके घर में किसी को टिकट नहीं मिलता, उनके पक्ष में आता तो उन्हीं को टिकट मिलता, लेकिन जब उसका फैसला नहीं हो पा रहा था और आज बिल्कुल आखिरी दिन आ गया था तो भाजपा ने ठाकुर वोटों को इकट्ठा रखने के लिए उन्हीं के परिवार में टिकट दिया है और ब्रजभूषण सरन सिंह ही चुनाव लड़ेंगे और इस चुनाव को वैसे भी अच्छे से ही जीतेंगे जैसे वो जीतते आए अब तक। लेकिन एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि ठाकुर वोट के लिए ब्रजभूषण के परिवार में किसी को टिकट देना अगर जरूरी था तो ब्रजभूषण को टिकट न देने का निर्णय इसलिए हो रहा था कि जाट नाराज हो जाएंगे, बड़ी सीधी बात अगर बिना लाल लपेटा लपाटी के सीधी कहें तो, क्या जाट जिनको बताया जा रहा था कि नाराज हो जाए हैं ब्रजभूषण के कारण और हरियाणा भी चुनाव में जाना है, क्या जाट इस बात से सहमत होंगे कि भाई ठीक है करण पर कोई दिक्कत नहीं ब्रजभूषण नहीं रहे, क्या इस बात पर जाट मिठाई बांटने लगेंगे? मनीष अग्रवाल एक छोटा सा कमेंट। अमिताभ जी आपका एक्सपीरियंस मुझसे कहीं ज्यादा है, ये लोग यूपी में जाट बेल्ट का जो आरएलडी के संग चुनाव था वो 16 सीटों के चुनाव होने का वेट कर रहे थे कि यूपी की सीटों पे इम्पैक्ट ना आए, जैसे ही ये 16 सीट पूरी हो गई आरएलडी का भी अब जिक्र आना बंद हो जाएगा, तो भाजपा ने कहा हरियाणा के लिए ये हम कोशिश करके देखते हैं वहां पे लोगों को ये विश्वास दिलाने की कि ब्रजभूषण सरन सिंह को हमने टिकट नहीं दिया, शुरू में इसका इंपैक्ट आरएलडी के इंपैक्ट के साथ ठीक मनीष जी ठीक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी आता तो उन्होंने इसको रोका। ठीक एक चीज समझ लीजिए कि मनीष बाबू ब्रजभूषण के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रही थी बच्चियां पहलवान वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से उनका कोई लेन देन नहीं, वो सब हरियाणा की है, ठीक लड़ाई वही है, मेरठ में कौन से दंगल हो रहा था कोई नहीं जी। ये गलत है नैरेटिव, ना 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 इसको कोई लेने देना नहीं जी। सारी लड़ाई खापों की है हरियाणा में ब्रजभूषण को लेकर और हरियाणा को चुनाव में जाना, ये मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा था कि राजनीति इतनी सरल भी नहीं होती जैसे नैरेट कर दी जाती है कि 2-2-4 हो गए, नहीं कई बार 2-2-6 भी हो जाते हैं, कई बार 2-2-0 भी हो रह जाते हैं। खैर विकास श्रीवास्तव अब उस भाव मुद्रा से बाहर आए कि नहीं, कांग्रेस में कोई पशुपेश कभी नहीं रहता और भाजपा में था, इससे बात थोड़ा सा बाहर आए, बार बार ऐसी भी चीजें आई कि सूत्रों के हवाले से कहलवाई जाती हैं, पार्टियों में चलन होता है कि सोनिया जी ने बात की है राहुल से प्रियंका से, कहा है भाई दोनों लोग लड़ो, हिम्मत करो, जाओ लड़ो, नहीं तो भाजपा को थाली में परोस के दे दिया जाएगा, ऐसा इस सब नैरेटिव के बाद क्या प्रियंका गांधी चुनाव में उतर रही हैं या नहीं,
या केवल राहुल गांधी लड़ेंगे? कल 11 बजे वही पर्चा भरेंगे। देखिए ये तो अभी स्ट्रेटजी का हिस्सा है जो आपने प्रश्न पूछा है जी। इसको तो मुझे लगता है कि हमारे जो सबसे राष्ट्रीय जो मीडिया चेयरमैन है वो भी उसका जवाब दे चुके कि ये धुंध आज रात तक खुल जाएगी, सबके सामने क्लियर हो जाएगा कि कौन। पर कल कांग्रेस पार्टी अमेठी और रायबरेली में बहुत ही शानदार तरीके से उत्तर प्रदेश के चुनाव का जो तीसरे चरण का चुनाव होगा उसका आगाज करने जा रहे हैं। और हमने कहा ना कांग्रेस पार्टी मुद्दे पर ही राजनीति करेगी। कांग्रेस पार्टी का प्रथम मुद्दा है कि 400 मांगने वाली भारतीय जनता पार्टी जो भारत के संविधान को बदल देना चाहती है, बाबा साहब के संविधान को जला देना चाहती है, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में है, जागरूक कर रही है। दूसरा हमारे मैनिफेस्टो को लेकर जो प्रधानमंत्री के स्तर पर जिस तरीके का भ्रम पैदा किया। तीसरा भारतीय जनता पार्टी ने महिला की अस्मिता के साथ जो खिलवाड़ किया है, प्रधानमंत्री ने 3000 महिलाओं के साथ रेप करने वाले व्यक्ति को कहा कि इसको एक एक वोट मोदी को मजबूत करेगा। अब दूसरा उसमें एपिसोड जुड़ गया है ब्रजभूषण शरण सिंह का। दोनों का जब भी नाम आएगा, प्रज्वल का नाम साउथ इंडिया से लेकर के पूरे भारत में, और ब्रजभूषण सिंह का नाम जब भी आएगा तो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी इससे अलग चश्मे से नहीं देखे जाएंगे। और सबसे बड़ी बलात्कारी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी स्टेब्लिश हुई है, और इस मुद्दे को लेकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अमेठी रायबरेली से कभी भी पलायन करने वाली भूमिका में रहे ना उत्तर प्रदेश से पलायन करने की भूमिका में रहेंगे। और अब हम जिस मुद्दे पर देश को लाना चाहते थे, ये देश उस मुद्दे पर आ चुका है। और ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को चुनाव लड़ाया गया, उसके पहले भी ब्रजभूषण शरण सिंह आतंकवाद के मामले में फंसे थे, इसके बाद उनकी पत्नी को चुनाव लड़ाया गया था, वो भी भारतीय जनता पार्टी ने दिया था। चाहे वो आतंकवाद करे, चाहे वो बलात्कार करे, चाहे वो महिला शोषण करे, भारतीय जनता पार्टी ऐसे बलात्कारियों के साथ थी, है और हमेशा रहेगी। इसलिए इस मुद्दे पर चुनाव होगा, और जो 3 तारीख को आखिरी डेट है नॉमिनेशन की, यहां से गांधी परिवार महिलाओं की स्मृता को मुद्दा बना के चुनाव लड़ने जा रहा है। आप निश्चिंत रहिए, और आपके सवाल का जवाब के लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा, और विनम्रता के साथ आपसे आग्रह करूंगा कल 3 बजे 3 तारीख को 3 बजे तक सारी तस्वीर साफ हो जाएगी पूरे देश के सामने भी और आपको भी। ठीक है विकास जी, कल 3 बजे तक तो तस्वीर साफ करनी पड़ेगी, बैठक हो पाए या ना हो पाए, सीसी बैठे ना बैठे, खड़गे जी मिले ना मिले, 3 बजे तक करने होगा ना, उसके बाद तो टंडन गोपाल, फिर तो सीटी चली जाएगी। इसलिए सारी गोपनीयता, सारा जो तामझाम है वो 3 बजे तक डेडलाइन है, 3 नहीं बल्कि 1.5 ही मानो। वहां अंदर जाने में, कागज पत्र जमा करने में भी टाइम लगता है डीएम के यहाँ, नहीं तो वो बाद में कहोगे लो डीएम उठ गया, हमारा तो जानबूझ के संविधान का। अच्छा मजे की बात देखिए, अभी तक राहुल गांधी की पार्टी कह रही थी भाजपा संविधान बदलेगी, अब उनने उसमें थोड़ा और वो डाला है मसाला, बोले गुरु तीखा कम है, नहीं चाट बनवाता आदमी तो कहता गुरु मिर्च थोड़ी मिर्च डालो, मजा नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा था संविधान जलाना चाहते हैं, अभी तक बदलने की बात है, अब जलाने पे आ गए। ठीक है, चुनाव आते आते क्या स्थिति बनेगी मैं नहीं कह सकता, बदलने की बात कर रहे थे, अब जलाने तक आ गए। आ रहा हूं भैया आपदेश जी, मैं कांग्रेस को एक बात बता दूं, ब्रजभूषण का मसला जब चरम पर आया, विजय राठी जी आपके पास दूसरा सवाल लेके आएंगे, अभी आप सुन लो, आपकी पार्टी के विषय लेकिन कांग्रेस को समझा रहे थे जी। तो मैंने एक शो में कहा समाजवादी पार्टी के एक नेता से कि आप ब्रजभूषण का नाम लेकर एक आलोचनात्मक वक्तव्य या ट्वीट करा दीजिए पार्टी से। बोले ना भैया इस सब चक्कर में हम नहीं पड़ते क्या, हम देख रहे हैं बीजेपी क्या करती है ब्रजभूषण का, नहीं तो मामला सेट हो जाएगा तो इधर ले आएंगे। कांग्रेस कहां जाती? और अभी भी रामगोपाल यादव, अखिलेश यादव, शिवपाल यादव का कोई वक्तव्य ब्रजभूषण के खिलाफ नहीं है। आप चाहे हिमालय चढ़ जाओ, चाहे हिमालय नीचे कूद जाओ, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपका जो मेजर पार्टनर है, बड़ा पार्टनर है उत्तर प्रदेश में, वो ब्रजभूषण के खिलाफ नहीं बोलता, इस बात को ध्यान रखिए मित्र। कुछ मजबूरियां रही होंगी,
कोई तो खेल है ना, उसी खेल को एक्सपोज करना जरूरी। अवधेश जी, अभी तक तो मैं आज संविधान पर नहीं जाऊंगा क्योंकि वो तो बहस चली रही है कि जला रहे हैं कि बहा रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, बदल रहे हैं, व्हाट्स एवर। मैं आज पर्सनालिटीज पर ही रहूंगा, ठीक है ना। वो कह रहे हैं कि भाई आपने ब्रजभूषण को टिकट देके मुद्दा फिर से जिंदा कर दिया, मतलब जिससे आप जान छुड़ाना चाह रहे थे वो कह रहे अब वो बवाल हम लोग लगातार करेंगे। भैया अवधेश जी, अमिताभ जी जान तो कांग्रेस के नेता छुड़ा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी से, गांधी परिवार से, और ये सब देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं और मैं भी देख रहा हूँ अच्छी तरह से, और जो अपने कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं वो भी अच्छी तरह से देख रहे हैं कि कांग्रेस से किस तरह से, कांग्रेसी जो वरिष्ठ नेता है, पुराने नेता है, वो किस तरह से गांधी परिवार से अपना पीछा छुड़ा रहे हैं। रही बात संविधान की, अरे मेरे भाई, जो संविधान निर्माता हमारे बाबा साहब अंबेडकर है, उनको सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उनके लिए पंचतीर्थ का निर्माण किसने किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया। अरे कांग्रेस पार्टी ने तो भैया जब से सत्ता में आई तब से जो संविधान को धज्जियां उड़ाई, संविधान की, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई, सबसे पहले देखो देश को तोड़ा इन्होंने, तब संविधान कहां गया था कांग्रेस का। उसके बाद आप देखे 84 दंगों में देश की सड़कों को सिख भाइयों के लहू से लहू लुहान कर दिया गया, तब संविधान कहां गया था कांग्रेस का, तब लोकतंत्र कहां गया था। जब 1990 में कश्मीर से हिंदुओं को भगा दिया गया, हिंदू बहन बेटियों के मंगलसूत्र छीने गए और उनकी जमीनें हड़पी गई, तब कांग्रेस का संविधान कहां गया था, तब कांग्रेस का लोकतंत्र कहां था भाई। जब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से, जामिया विश्वविद्यालय से एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण खत्म कर दिया जाता है कांग्रेस द्वारा, तब संविधान कहां जाता है कांग्रेस का, तब कहां लोकतंत्र जाता है। आज देश 10 साल में 14 से 24 तक विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है विश्व पटल पर, तो कह रहे हैं लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। अमिताभ जी कोई खतरे में नहीं है, केवल वो लोग खतरे में है जो घोटालेबाज है, जिन्होंने देश को लूट कर खाया है, वही खतरे में है। देश बहुत खुश है, देश की जनता ने पूरी तरह से मन बनाया है, अब की बार 400 पार फिर एक बार मोदी सरकार, क्योंकि हर भारतीय को चाहिए अपने विकसित भारत का संकल्प पूरा करना है 2047 तक, और हर भारतीय के मन में यही इच्छा है अब की बार 400 पार फिर एक बार मोदी सरकार। जी विजय राठी, संविधान किसी को खतरे में नजर नहीं आ रहा, केवल कांग्रेस पार्टी। रुक जाओ भाई, संविधान चक्र में कहां पड़े हो यार, न राहुल गांधी के भरोसे है संविधान, ना आपके भरोसे है। आप लोग आज हो कल नहीं हो गए, देश में क्या दुनिया परिवर्तन नहीं होता, ये झूठे का ड्रामा इस चुनाव में फैला दिया, बोले संविधान। अरे कौन माइकल लाल संविधान बदल खत्म कर देगा, खत्म करने का काम तो केवल एक बार आप ही ने किया 75 में, और आप ही झंडा लेके चल रहे हो। अब तो वो कितबिया भी हाथ में ले रहा, हमने देखा कि एक आध वीडियो में लेके चलने लगे हो, बोले ये संविधान, ये देखो संविधान इतनी छोटी चीज है क्या, गुड्डू पान की गुमटी है, बोले गिरा देंगे, गजब कर लो ठीक। अरे रुको भाई, रुक जाओ रुक जाओ। विजय राठी जी, एक मसला आपका मुझे दिख रहा था, मुझसे किसी ने कहा कि भाई उत्तर प्रदेश भर में समाजवादी पार्टी ने कुल 4 मुसलमानों को टिकट दी क्या, और उसका फोका नारा है पीडीए, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक। फिर सुधीजनों ने बताया कि मुलायम सिंह जी के समय से लेके अब तक ये सबसे कम हिस्सेदारी है मुसलमानों को मिली हुई जो क्या। वहीं जो दूसरी रीजनल फोर्स है उत्तर प्रदेश की बीएसपी, उसने 22 मुसलमानों को टिकट दिया है। कुछ आपका लग रहा मन भर गया, बोले हटाओ यार बवाल काटो, ज्यादा टिकट देने से इनको कोई लाभ नहीं क्या। आपने 5 यादव अपने परिवार से लड़ाए और 4 मुसलमान दिए 4.5 करोड़ मुसलमानों में, नहीं। और आकाश आनंद कहते कहते घूम रहे हैं कि हमने 22 अब तक तो उतार दिए हैं, अभी ये 2-4 टिकट और बाकी हैं क्या। कुछ चेंज हुआ है आपकी पॉलिसी में क्या राठी साहब? देखिए अमिताभ सिंह, पॉलिसी चेंज नहीं है, पॉलिसी हमारी ये है कि किस तरीके से इस भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से और देश से हटाया जाए, उस तरीके से जो भी जितने जीतने वाले कैंडिडेट हैं, जो पीडीए में हैं, या पीडीए में देखिए हमारे आदिवासी अल्पसंख्यक अगड़े भी हैं जो परेशान है, उस स्ट्रेटजी के हिसाब से हमने टिकट दिए और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी परेशान है। आप कुल मिला के इस चीज को मतलब मैं समझ गया, आपके हिसाब से मुसलमान जीतने लायक नहीं है,
इसीलिए कम टिकट दिया। मैंने ये नहीं कहा, नहीं मैंने ये नहीं कहा, जिस कैंडिडेट को जहां जीतना है जहां लगा है वो भारतीय जनता पार्टी को हरा रहा है, वहां उस कैंडिडेट को टिकट है। इसका मतलब ये नहीं है आप कहने लगे कि क्या यहां से जाट नहीं जीत सकता था, क्या बागपत से आपने ब्राह्मण क्यों लड़ा दिया, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है क्या इक्वेशन बनती है और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को उठाना है और कौन मजबूती से चुनाव लड़ रहा। एक बात, दूसरी बात मैं बता दूं, अभी हमारे प्रवक्ता बैठे बीजेपी के, बहुत बातें इन्होंने बोली, इन्होंने कहा कि हमारे निर्णय खुले में होते हैं। सही बात है, निर्णय तो आपके खुले में होते हैं। एक नारा आपने दिया था, मेरा बूथ सबसे मजबूत, जो बदल के हो गया था, मेरा जूता सबसे मजबूत विधायक सांसद के सिर पे और सांसद विधायक के सिर पे। दूसरी बात इन्होंने कही कि देश विकास की तरफ है, नजरें मिलाने लायक बड़ी बड़ी बात करी विपक्षी नेताओं की। अरे मैं आज पूरा देश ये पूछ रहा, 80 करोड़ लोगों को जो वैक्सीन लगी थी, जो लोग सोशल मीडिया और इसपे जो चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, उसका जवाब कोई देगा क्या? जिससे आपने चंदा लिया, चंदा लेकर के उसको धंधा दिया, तुम तो सबसे बड़े देश के वसूली जैन बन गए। तुम जब बोले तो नहीं बोला, अब सुनो, वसूली जैन बने हो तुम, इंटरनेशनल लेवल पर वसूली जैन बना हो। अरे 500 करोड़ रुपए वसूली के तुम लोगों की जान जोखिम में डालते हो। तुमसे बड़ा बेईमान कोई हो सकता है? तुमसे बड़ा गद्दार देश के लिए हो सकता है? कितने करोड़ लिए तुमने वैक्सीन के? कितने करोड़ लिए? कितने करोड़ लिए वैक्सीन के लिए? कितने करोड़ लिए? कितने करोड़ लिए लोगों को मारने के लिए, इस देश की जनता को मारने के लिए कितने करोड़ लिए आपने? क्या इस देश की जनता की जान आपके लिए मायने नहीं रखती? क्या आप इस देश को अंधेरे में धकेलना चाहते हैं? क्या आप लोगों की हत्या करना चाहते हैं? कितना पैसा लिया आपने लोगों को मारने के लिए? कितना पैसा लिया आपने? ऐसी वैक्सीन लगाई जिससे लोगों को हार्ट अटैक होने लगा, बहुत कम उम्र के बच्चे हार्ट अटैक से मर रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी कब लेंगे? आपकी तो फोटो भी हमने लगी, आप कहां अपना मुंह छुपाएंगे? देश के लोगों को कैसे आप नजर मिलाएंगे? जो लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं, आपने चंदा लेकर के दवाई कंपनी को वैक्सीन लगवाई, चंदा लेकर आपने, अब हमारे समझ में आपने इसको कंपलसरी क्यों किया? आपने कंपलसरी इसलिए किया उपाध्याय जी, ताकि लोग मर जाएं। हिंदुस्तान के लोगों को, 80 करोड़ लोगों को आपने मरने के लिए धकेल दिया, उसकी जिम्मेदारी कब लेंगे? आज टीवी पे आप जिम्मेदारी लेकर के महान बन जाइए बीजेपी की तरफ से। ठीक 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 दोनों लोग रुकिए, आप नेता हम, ठीक है दोनों लोग रुकिए। मैं विजय राठी की आवाज रुकिए और इनके अखिलेश अवधेश जी की भी रुक दीजिए। राठी साहब, बहुत सारे मुद्दे हैं, कुछ चुटकुले हैं, कुछ मुद्दे हैं, चुनाव में चलाइए इन सब। वैक्सीन एक्सीन चक्कर में आप लोग मत पड़िए, वो गंभीर विषय है, उसमें मत पड़िए। क्या चकल्लस है ना चुनाव में करने के लिए? करो यार, उसमें मत पड़िए ना, भय भय फैलाइए देश में, ठीक है ना? वो आपका विषय ही नहीं, आप जानते ही नहीं उस विषय में, काय को भय फैला रहे हो यार? वो राजेंद्र चौधरी विज्ञप्ति जारी करके बता देंगे वैक्सीन कैसी है, गजब कर रहे हो। वो विषय आपका नहीं है। बाकी जो चकल्लस आप लोग मंचों पर सब लोग एक दूसरी पार्टी के लिए कर रहे हो, वो करिए, जनता का मनोरंजन हो रहा है, लेकिन गंभीर विषयों पर देश में भय मत फैलाइए, ये पाप हो जाएगा। छोड़ दीजिए, वो आपके विषय नहीं, ना ना वो आपका विषय नहीं ना, आप पीटीए पर खेलो, और चुटकुले हैं उन पर करो, लेकिन सब में मत पड़ो, ये सब गंभीर विषय है। इसमें देश भर के लोगों को भय के अंधी सुरंग में ढकेलने की कोशिश मत करिए, वैसा है नहीं जैसा आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उस बहस में मत जाइए। मैं वैक्सीन के मसले पर इसलिए बहस अलाउ नहीं किया ना, चूंकि नहीं कि मैं जानता हूं कि आप लोग क्या चाह क्या रहे हो, वो अलाउ नहीं करेंगे ना। ठीक, विकास श्रीवास्तव, विकास श्रीवास्तव जी, मैंने कहा ब्रजभूषण पर आपका स्टैंड एग्रेसिव है, समाजवादी पार्टी मौन रहती है, क्या वो ब्रजभूषण के विरुद्ध नाम लेके पंगा नहीं लेती? ये दुविधा संकट पैदा करेगी, देखिए यहाँ विषय ब्रजभूषण या प्रज्वल रेवन्ना नहीं है, यहाँ विषय है महिला अस्मिता के साथ जबरदस्त खिलवाड़ हुआ है, स्वाभिमान सम्मान के साथ कुठाराघात हुआ है पिछले 10 वर्षों में। एनसीआरबी के आंकड़ों ने स्पष्ट किया है कि जब से मोदी सरकार आई है महिलाओं का उत्पीड़न 4 गुना बढ़ा है, और जितने प्रमाण प्रस्तुत हुए हैं, जितनी भी चीजें सामने आई है, या आप द्वारा सम्मानित मीडिया द्वारा आई है, भारतीय जनता पार्टी के नेता ने पत्र लिखकर मना किया कि इस व्यक्ति के ऊपर व्याभिचार के
सीडी है, पूरा पेन ड्राइव है, 3000 के आसपास इस व्यक्ति ने रेप किए हैं और उसके बावजूद दरकिनार करके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की संस्तुतियों को दरकिनार करके प्रधानमंत्री जी उसको बता रहे हैं कि इसको दिया गया एक एक वोट मोदी को मजबूत करेगा। महिलाओं की स्मिता के साथ खिलवाड़ होता रहा, सकती रही, रोती रही, आधी आबादी के स्वाभिमान सम्मान पे कुठाराघात हुआ है, ये मुद्दा है। ब्रजभूषण शरण सिंह, प्रज्वल रमन्ना, सरकार की जिम्मेदारी है कि बलात्कारियों को श्रय देते हैं, बचाते हैं। ठीक है विकास, ठीक मैं समझ गया। आप भी ब्रजभूषण पर थोड़ा ऐसे उतना आगे नहीं जाओगे जितना सपा को दिक्कत हो जाए। ठीक है, समझ गए। ठीक है, अब ठीक आगे बात आ गई भैया। विकास आ गई बात, कश्मीर में हिंदुओं के साथ जो अपमान हुआ, जो रुक जाइए, अब आ गई बात, आ गई आगे। कांग्रेस भी पुराने लोगों को पता है, नए लोगों को अपनी स्मृति में रखना चाहिए। ये देवीगौड़ा उसी मोहल्ले के नेता है जिस मोहल्ले में सपा रहती है। थर्ड फोर्स ने उनको प्रधानमंत्री बनाया था, लालू मुलायम सब लोग एक। ये रमन्ना जिस समय इस ढंग के ये कुकृत्य कर रहा था, उस समय किस पार्टी में के साथ अलाइन था जेडीएस? विकास, अब लाइसेंस अंताक्षरी थोड़ी ना हो रही यार, अपनी बात बोल चुके, शांत रहिए। किस पार्टी के साथ अलाइंस था, अलाइन था? तीसरी बात, रमन्ना भागा, मैं खड़गे को सुन रहा था, खड़गे जी कह रहे थे जी चुनाव हो रहा है तो सेंट्रल के हाथ में है सब कुछ। ऐसा नहीं होता, रमन्ना कैसे फरार हो गया? वह सरकार है भाई, सिस्टम है, कैसे फरार हो गया रमन्ना जब आप सब जानते थे उसके बारे में, जब सिद्धरमैया जानते थे उसके बारे में, डीके शिवकुमार जानते थे, तो कैसे फरार हो गया, कैसे बाहर चला गया? बहुत सारे विषय हैं। खैर, आप एक तरफ रमन्ना को भी और ब्रजभूषण को भी घेरना चाहते हो, दूसरी तरफ यूपी में जब आते हो तो कहते हो मुद्दा ब्रजभूषण नहीं है, मुद्दा नारी सुरक्षा है। चेहरा तो ब्रजभूषण है ना, तो उस पर सपाजवादी पार्टी को भी कहो ना कोई लाइन ले, हम भी तो देखें क्या लाइन लेंगे। खैर, मनीष जी, सोनिया गांधी 2019 में सबसे कम मार्जिन से जीती, उससे पहले के जो चुनाव उन्होंने लड़े वो बड़े मार्जिन से जीती, लेकिन बहुत कम मार्जिन से जीती। कुछ लोग कहते हैं इसीलिए उन्होंने फिर चुनावी राजनीति छोड़ दी कि भाई चलो बहुत हो गया अब नहीं। और यही दिनेश प्रताप उनके खिलाफ लड़ रहे थे, 19 में भी लड़े थे चुनाव, उसी दिनेश प्रताप को भाजपा ने फिर उतारा। ये भी पुराने कांग्रेसी हैं दिनेश प्रताप, ये भी सब जानते हैं खेल कांटा। क्या आपको लगता है कि प्रियंका गांधी ये जोखिम उठाएंगी? क्योंकि जिस सीट पर सोनिया जी का मार्जिन नीचे आ गया हो, उस सीट पर प्रियंका गांधी जाके अपना डेब्यू करें, बात मेरी समझ में तो नहीं आती। और संकेत भी मिल रहे हैं कि प्रियंका जी नहीं लड़ेंगी, केवल राहुल गांधी लड़ेंगे। अमिताभ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपके संकेत बिल्कुल सही हैं। आपसे अच्छा कौन इस राजनीति को समझता है आज के परिपेक्ष में? प्रियंका जी बिल्कुल नहीं लड़ेंगी, गांधी परिवार ये चाहता है, सोनिया गांधी जी का पर्सनल इंटरेस्ट राहुल गांधी में, वो चाहती है इन्हीं को प्राइम मिनिस्टर प्रोजेक्ट करा जाए, इन्हीं को आगे लेके चला जाए। अगर प्रियंका गांधी जी को लड़ना होता तो ये बहुत पहले डिक्लेयर हो गया होता कि प्रियंका गांधी जी लड़ेंगी। गांधी परिवार से एक ही आदमी लड़ेगा, वो राहुल गांधी लड़ेंगे। अब वो अमेठी लड़ेंगे इसकी उम्मीद ज्यादा है, रायबरेली वो नहीं आएंगे, रायबरेली कोई सामान्य कार्यकर्ता लड़ेगा। और इस बार जो वहाँ विधायकों की परिस्थिति है, जैसा भाजपा ने वहाँ के विधायकों को रायबरेली को मैनेज कराया, मुझे लगता है दिनेश प्रताप सिंह बहुत अच्छी फाइट देंगे और बहुत ज्यादा उम्मीद है कि दिनेश प्रताप सिंह इस सीट को जीत जाएंगे। लेकिन कांग्रेस को ये सोचना पड़ेगा कि यूपी में उनके पास 80 में से एक सीट है, पूरे नॉर्थ इंडिया में उनके पास एक सेफ सीट नहीं है जिसमें गांधी परिवार के लोग आके पीसफुली चुनाव लड़ सके। एक सीट है जो जीती हुई है आपकी, उस पर भी आप लास्ट डे तक कैंडिडेट नहीं दे पा रहे हो। 17 सीटें आपको मिली हैं, आपको कोई बहुत बड़ा चुनाव नहीं लड़ना है यूपी में,
फिर भी आपके पास टिकट देने के लिए लोग नहीं है, आपकी टीम टिकट नहीं तय कर पा रही, आप देश में उतनी सीटें ही नहीं लड़ रहे हो जितनी बहुमत के लिए जरूरत है, तो क्या आप पहले से ये बता रहे हो कि मिलीजुली सरकार बनेगी? आज की जनता इन सारी चीजों को समझ रही है। ठीक है मनीष बाबू, ठीक ठीक। विकास जी, क्या बड़े नेता जितना बड़ा हो तो उसको उतने ही दुर्गम सीटों से उतरना चाहिए? सेफ सीट छोटे कार्यकर्ताओं के लिए छोड़ देनी चाहिए? नहीं, बड़ा आदमी है तो बड़ा जौहर करे, बड़े मैच में उतरे, बाकी कार्यकर्ताओं को पहुंचाओ आगे, सरल इम्तिहान में उनको बैठा दो। जब भीषण रण हो, निर्णायक रण हो, तो उतरिए कि निज भुजबल में बैर बढ़ावा, ऐसे करते हुए नहीं। यहां राजनीति में उल्टा होता है, जो जितना बड़ा नेता हो जाता है वो कहता गुरु उतनी छोटी सीट देखो, बिल्कुल कहीं दबी हो, छुपी हो, नक्शे में भी ढूंढे ना मिले। नहीं, सर किस सीट के बारे में कह रहे हैं? किसको, कौन सी सीट कमजोर है, कौन सी सीट मजबूत है, कहां की बात कर रहे हैं, ये मुझे थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए। नहीं नहीं, कहा कि रायबरेली और अमेठी कांग्रेस की स्ट्रॉन्ग होल्ड सीट है, परिवार की सीट है, इसलिए मैंने कहा। हाँ हाँ हाँ, देखिए अमिताभ जी, अच्छा कि आपने ये प्रश्न पूछा, आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई जी। जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, बहुत ताकतवर हैं, उसके बाद उनके पास एक यशस्वी मुख्यमंत्री है जिनका बहुत बड़ा डंका बजता है, बहुत बड़े ताकतवर लोग हैं, पर इतनी हिम्मत नहीं है परजीवियों को और दगाबाजों को, जो कांग्रेस के परजीवी थे, समाजवादी पार्टी के परजीवी थे, दगाबाज थे, जिनकी राजनीतिक हैसियत जीरो थी, जिनको सिर पे बैठा करके कांग्रेस ने उस हैसियत का बना दिया कि उनका नाम आज टीवी पे लिया जा रहा है, आज उनके बारे में अमेठी रायबरेली में उनको कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी बना रही है, उनका जड़ से लेकर के आज मौजूदा समय का वजूद देख लीजिए, कांग्रेस और गांधी परिवार द्वारा बनाया हुआ है, और किस लोगों ने इन इन दगाबाजों को, गद्दारों को अपने पीठ पे बैठा करके यहाँ पर आए हैं लड़ने के लिए, किनके दम पर लड़ने आए हैं, अमेठी में या रायबरेली में? कांग्रेस के वो कांग्रेस की उस ताकत से, गांधी परिवार के उस आशीर्वाद से जिनकी पहचान बनी है अमेठी और रायबरेली में, उनको आज भारतीय जनता पार्टी लेकर खड़ी है, और आप हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि कमजोर व्यक्ति से कौन लड़ेगा? ठीक, अगर ये सीट कमजोर होती और अगर अमेठी और रायबरेली कमजोर लोगों का गढ़ होता, ये अमेठी रायबरेली की जनता का सीधा सीधा अपमान है ये। ठीक है, ठीक है भैया, अमेठी रायबरेली की जनता अपनी हैसियत, अपने स्वाभिमान की रक्षा करना चाहती है। ठीक है, बिल्कुल, जनता पार्टी दगाबाजों के दम पर जो अमेठी रायबरेली को हराना चाहती है। ठीक, जब देश भर में पार्टी बदलने की प्रक्रिया चलती हो, तब ऐसा दंभपूर्ण भाषा नहीं बोलनी चाहिए कि इनकी औकात क्या थी, इनकी हैसियत क्या थी। अरे आप बागेश्वर बाबा हो क्या? आपने आशीर्वाद दिया बैठाल के सबको, गजब कर रहे हो, गजब बात करते हो यार। अरे आपके लिए हो सकता, पूरे देश के लिए गांधी परिवार आशीर्वाद देने वाला तो नहीं हो सकता? बोले इसकी भी कोई हैसियत नहीं, इसकी भी हैसियत नहीं, ये भी गद्दार, वो भी दगाबाज, वो भी गद्दार, ऐसी कैसी भाषा है ये लोकतंत्र में? ये भाषा ठीक नहीं। कल उद्धव ठाकरे आपको गाली देते थे, आज उद्धव ठाकरे आपके चाचा है? नहीं। कल पवार साहब ने सोनिया गांधी के लिए क्या कहा था कि विदेश में जन्मी महिला यहां नहीं हो सकती, चल नहीं चलेगी? आज वो रेस्पेक्टेड पवार साहब है, उनको भी गद्दार बोलोगे? ऐसी भाषा में नहीं बोलनी चाहिए, ये राजनीतिक संस्कार ठीक नहीं, ये भाषा ठीक नहीं। खैर विजय राठी जी, क्या तस्वीर लग रही है अमेठी और रायबरेली की? चूंकि वहां भी कांग्रेस को जिताने में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तो तय है जी, क्योंकि पिछली बार ही सोनिया जी का जो परिणाम था, जो वोट परसेंटेज था, वो डिक्लाइन किया था, और अमेठी रायबरेली सुल्तानपुर वहां विधायक जितने हैं और नगर पालिका है, नगर पंचायत है, जो भी है, उसमें कांग्रेस साफ है, तो स्वाभाविक है धक्का तो आपको लगाने पड़ेगा। और ये बात मुलायम सिंह के समय से कही भी जाती रही है कि भाई एक बार अखिलेश यादव ने ही कहा था
जब आपकी और उनकी लड़ाई हो गई थी, जब अखिलेश जी ने कहा था कांग्रेस चालू पार्टी है, तो उन्होंने मन से कहा था कि फिर बात आएगी तो फिर अमेठी रायबरेली की भी आएगी, हम देखेंगे कैसे जीतेंगे। विजय राठी, क्या स्थिति लग रही है? आप देखिए अमिताभ जी, गठबंधन मजबूत है और गठबंधन का प्रत्याशी लड़ेगा वो 100% वहां से जीत के आएंगे। सिर्फ अमेठी और रायबरेली की बात नहीं है, सब जगह की बात है। गठबंधन बहुत ईमानदारी से चुनाव लड़ रहे हैं और इस ईमानदारी से चूंकि चुनाव चल रहा है इसीलिए भाजपा डर रही है, और प्रधानमंत्री जी के जो भाषण बदले इसी वजह से बदले। एक बात ये, और दूसरी बात मैं एक और चीज बता दूं आपको अमिताभ जी, आपने 2-3 बार एक ही बात कही कि माननीय अखिलेश यादव जी का कोई जिस तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह इनके लिए नहीं आया। आप अगर देखें 2023 में जिस समय, चूंकि मैं इसी क्षेत्र का रहने वाला हूं पश्चिम का, जब हरिद्वार में महिला पहलवानों ने कहा था बेटियों ने कि हम अपने मेडल बहाने जा रहे हैं, तो तभी आपने देखा होगा प्रेस की थी और उसमें कहा था कि ये जो केंद्र सरकार है ये उनको न्याय दे, हम लोग बहन बेटियों के साथ हैं। और जो खाप पंचायत हुई थी उसमें सिर्फ हरियाणा नहीं, हम भी पश्चिम से लोग कुरुक्षेत्र में हम लोग पहुंचे थे और उसमें समाजवादी पार्टी के कई विधायक भी थे, चाहे वो जंतर मंतर पे गए हो या वहां गए हो। इसलिए समाजवादी पार्टी शुरू से कोई भी देखिए सिर्फ महिला पहलवान नहीं, जितने भी महिलाओं के विरुद्ध कुछ हुआ हाथरस में आपने देखा, सबसे पहले सपा विधायक। ठीक है विजय राठी, आगे 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 बात। अब मैं अभी समय नहीं, जब मैं अंत में बोलूंगा तो बता दूंगा कि मैं क्या कह रहा था और आप उस जवाब क्या दे रहे हो, वो विषय नहीं। मैंने क्या विषय उठाया था और आप कह रहे कि खाप पंचायत में हम भी गए थे। आपका जाना अखिलेश यादव को बोलने में अंतर है ना मित्र, गजब करते हो। खैर, अवधेश उपाध्याय, कांग्रेस कह रही है अमेठी रायबरेली में हमारे ही आशीर्वाद से, हमारी ही भभूत लगा के जो लोग बड़े बने वो गद्दार, उन गद्दारों के भरोसे कहां भाजपा चल रही है क्या? क्या ममता बनर्जी देश की गद्दार है जो कांग्रेस छोड़कर अपनी नई पार्टी बनाई है? क्या शरद पवार ने कांग्रेस छोड़कर नई पार्टी बनाई वो गद्दार है? क्या ये आपका गौरव वल्लभ गद्दार है? क्या रोहन जी जो है वो गद्दार है? मतलब कांग्रेस पार्टी को छोड़ के जा रहा है वो गद्दार है? वाह, तो गद्दार साथ रह क्यों रहे थे भाई? अरे गद्दारों से घर क्यों बसाया हुआ था? इतना बड़ा आशियाना बना रखा है, गद्दारों से भरा हुआ वो बनाया क्यों था फिर? ये इनकी मूर्खता दर्शाता है अमिताभ जी, जो इन्हें छोड़कर जाता है वो गद्दार हो जाता है अगले दिन। अब सोचिए आप, चौधरी चरण सिंह जी जो किसान के मसीहा माने जाते हैं और इतने बड़े नेता थे, उनको ये गद्दार कह रहे हैं कि जो कांग्रेस से जाते वो गद्दार है? कांग्रेस में कोई इनकी हैसियत नहीं होती, उनको भारतीय जनता पार्टी उनको मौका देती है? इसका मतलब आप समझिए, जाट भाइयों का अपमान कौन कर रहा है? कांग्रेस के प्रवक्ता बैठकर कर रहे हैं, बैठकर सोचिए आप। ठीक 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 है भैया, आज मैं समझ गया, आपका भी निशाना समझ गया। ठीक ठीक अवधेश जी, ठीक है, रुक जाइए, आपका भी समझ गए। मैंने अभी कुछ समय पहले भी इसी कार्यक्रम में एक विषय पर कहा था कि नेताओं को जमीन पर चलना आना चाहिए। वक्त खराब आता है तो मैंने बड़े बड़े नेताओं को टेलीफोन ऐसे ऐसे करते देखा, लेकिन उसमें घंटी नहीं बजी। क्या टेलीफोन करिएगा मुझे तो नाम बता दूंगा, देश के बहुत बड़े नेता। ठीक, ये कार्यकर्ता है, अब विकास लगातार नहीं बोलो, आवाज नहीं जा रही, लगातार नहीं बोलो, आवाज जा भी नहीं रही। ये कार्यकर्ता है, ये सामान्य लोग हैं देश के, जो नेता को नेता बनाते हैं, नहीं नेता के 6 हाथ पर वाला है, देवदूत है, आकाश से उतरा है, भूखे पेट पीछे चलने वाले लोग कहते हैं ये राहुल गांधी हैं, इसलिए आप राहुल गांधी हैं। नहीं, आपके कदकाठी के लाखों लोग हैं, क्या विशिष्टता आप में? कोई नेता बनता है देश में तो उसको जनता नेता बनाती है, कार्यकर्ताओं का संघर्ष नेता बना। लेकिन भाषा क्या है? बोले सारे गद्दार हैं, एक परिवार के आशीर्वाद से नेता बनता है इस देश में। अरे गजब कर रहे हो यार आप, परिवार तो चुनाव हार गया, राहुल गांधी के आशीर्वाद से सब नेता हो गए और राहुल गांधी चुनाव नहीं जीत पाए अमेठी में। कांग्रेस 44 सीट पर आकर टिक गई और आप कह रहे हो कांग्रेस के आशीर्वाद से देश में नेता पैदा हुए? ये कोई बाबा का भभूत है क्या यार, क्या बांट देते हो कि बागेश्वर बाबा हो? अरे बच्चा जूम जाम जम जा, क्या कर रहे हो? वो ये
जो मानसिकता है ना नवाबों वाली, इससे बाहर आओ भाई, दुनिया बदल गई यार। नेता के साथ कार्यकर्ता नहीं चले राठी साहब, तो कितनी भी महंगी गाड़ी हो सारा जलवा फुस हो जाएगा कि नहीं? मनीष बाबू बताओ, कोई नेता हो किसी पार्टी का, उसके पीछे भीड़ नहीं भागे उसकी गाड़ी के पीछे, तो नेता और मनीष अग्रवाल में क्या अंतर बताओ भैया? विजय राठी गलत तो नहीं कह रहा? ये जो अखिलेश यादव जिंदाबाद, ये जो हजार आदमी पीछे भागता है, यही ना उनको अखिलेश यादव बनाता है क्या? नहीं तो विजय राठी अखिलेश यादव बराबर हो जाएंगे। तो उन लोगों का मान रखिए, उनको सम्मान दीजिए, वो लोकतंत्र का मूल है। ठीक है, आपकी उस परिवार के प्रति आस्था है, पूजा करिए के लिए, लेकिन सार्वजनिक तौर पर तो ऐसा ना कहिए कि ये बाबा है, इन्हीं की भभूत से सारे लोग बने और जो इनको छोड़ के गए वो देशद्रोही हैं और गद्दार हैं। नहीं भाई, कोई गांधी परिवार में कांग्रेस में ही रहे आदमी और गांधी परिवार कोई नेता माने, ऐसा किसी ने बॉन्ड तो लिखा नहीं? सबको आजादी है दल बदलने की। और ठीक बात कही थी अवधेश जी ने, ममता बनर्जी क्या है वो भी गद्दार हैं, पवार क्या है वो भी गद्दार हैं, तारिक अनवर क्या है वो भी गद्दार है, वो तो कांग्रेस में फिर आए, वो सब गद्दार हैं। तब तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अभी इनके बारे में अगर गद्दार बोल दिया तो चुनाव अभी बाकी है, इसी में रायता फैला देंगे सब। ममता जी वैसे बंगाल में लठी चला रही हैं, कड़क मिजाज हैं, और महाराष्ट्र में पवार भी सुनने वाले नहीं, वो भी अपने को भाई छोटा नेता तो नहीं मान सकते। तारिक अनवर आपके घर में आ गए, ये वही तारिक अनवर हैं जिन्होंने सोनिया गांधी के विदेशी मूल का मुद्दा उठाया था कि नहीं उठाया था, तो वो भी गद्दार हैं, तो उनको बोलो भाई तारिक अनवर बाहर जाओ, ये भाषा ठीक नहीं। विजय राठी जी ने कहा कि हमने ये कहा था कि महिलाओं के साथ न्याय हो, जी हाँ ये कहा था। मैंने प्रश्न ये पूछा था, क्या आपने ऐसा कहा कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने महिलाओं के साथ यौन शोषण किया, ब्रजभूषण शरण सिंह हाय है, ब्रजभूषण शरण सिंह जिम्मेदार हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह का को जेल की कोठरी में डालो? नहीं ना, महिलाओं के साथ न्याय हो ये बोला, लेकिन जो मैं बता रहा हूं वो नहीं बोलेगी समाजवादी पार्टी। मैं जानता हूं ना, वह उस इलाके की राजनीति जानता हूं मित्र, आप पश्चिम के आदमी हो, आप गोंडा नहीं समझ पाओगे, वहां नहीं बोलेगी सपा ये। और बसपा ने भी ब्रजभूषण के खिलाफ वो नहीं लिया था। कांग्रेस का चूंकि कोई स्टेक नहीं है उत्तर प्रदेश में बड़ा, तो उन्होंने एक स्टैंड ले लिया, बसपा और सपा दोनों ने स्टैंड नहीं लिया था ब्रजभूषण के खिलाफ, ये बात लिख लो, न मायावती न अखिलेश यादव। राहुल गांधी तो किसी खिलाफ भी स्टैंड ले लेंगे, उनको तो वहां कोई लड़ने लड़ाने को है नहीं यूपी में। भाई रायबरेली अमेठी छोड़ दीजिए, तो कोई सीट ऐसी है क्या जिस पर चर्चा भी हो रही हो? नहीं ना, कार्यकर्ता लड़ रहे हैं अपना, ठीक है सबकी किस्मत है जो हो जाएगा, लेकिन इतना जरूर है कि सस्पेंस रहना चाहिए, लेकिन इतनी सीमा तक सस्पेंस। और कई बार जो पार्टियों के रणनीतिकार होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, जिनको लगता है कि नहीं हम ऐसा मैसेज कर देंगे, इस समय घोषणा करेंगे तो ये लाभ हो जाएगा, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने से कई बार गड़बड़ियां भी हो जाती, जैसे जयराम रमेश से लेकर नीचे प्रवक्ता तक कह रहे हैं कि नहीं एन टाइम पर खुलासा करेंगे और बाजी पलटेंगे। चलो भाई ये भी देख लेंगे बाजी कितनी पलट रही। वैसे मैं भाजपा के मित्रों से कहता था कि नहीं अभी हम गोंडा मकैसरगंज में, मैं कहता था भाई साहब ये जासूसी उपन्यास क्यों बना रहे हो? देश तीन बातें जानना चाहता है, राहुल गांधी लड़ेंगे हाँ है ना, इसमें क्या जासूसी कर लोगे, क्या 007 कर रहे हो यार कि बहुत गुप्त मीटिंग हो रही है, एकदम रॉकेट लॉन्चर लॉन्च कर देंगे। अरे लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? नहीं लड़ेंगे तो कोई सामान्य व्यक्ति लड़ेगा, प्रियंका आएंगी कि नहीं आएंगी बात खत्म, नहीं तो किशोरीलाल लड़ेंगे, इतनी सी बात है ना। ऐसा तो है नहीं कि मल्लिकार्जुन खड़गे लड़ने आ जाएंगे रायबरेली। अच्छा वैसे मैं भाजपा वालों से कहता था यार या तो ब्रजभूषण के परिवार में टिकट दोगे या नहीं दोगे, इससे आगे क्या सस्पेंस है?
काय को इतना ड्रामा फैलाया सब लोग? बोले नहीं, बहुत गुप्त मीटिंग हो रही है, रणनीति बताएंगे नहीं, काला पर्दा डाल के मीटिंग कर रहे हैं हम लोग। अच्छा जी, हम भी देखेंगे, कुछ देख लिया और कुछ रात तक और देख लेंगे, कितना बड़ा चमत्कार होता है। राहुल गांधी अमेठी से कल 11 बजे पर्चा भरेंगे, ये कौन सी गुप्त रणनीति थी? ये कौन सी गुप्त रणनीति थी भाई, मैं समझ ही नहीं पाया। ब्रजभूषण के परिवार में ही टिकट रहेगी, ये बात सामान्य तौर पर सबको पता थी, इसमें कौन सा गुप्त परमाणु कार्यक्रमों के तरीके से गोपनीय रख रहे थे आप सब चीजें, जिसे न्यूक्लियर विस्फोट गोपनीय रखा जाता है? क्या हुआ केसरगंज में, सबको पता था, पान की दुकान पर भी लोग चर्चा कर रहे थे ना ब्रजभूषण नहीं लड़ेगा, लेकिन ब्रजभूषण लड़का लड़ेगा, क्या क्या गोपनीय है? जयराम रमेश ट्वीट नहीं कर रहे तो लोगों को समझ नहीं कि राहुल गांधी लड़ेंगे, बहुत तैयारी हो रही है, गाड़ी घोड़ा आके खड़ा हो गया है, जिस पर उनको निकलना है, सब व्यवस्थाएं बन रही, दिख नहीं रहा। बोले नहीं, लेकिन गुप्त है, बताएंगे नहीं अभी। लोकतंत्र को थोड़ा अनावृत रखिए, है ना? आप कोई आकाश कुसुम तोड़ कर ले आएंगे क्या? भाई प्रियंका नहीं लड़ेंगे तो केएल शर्मा टाइप कोई भी आदमी लड़ेगा, उसमें फिर क्या इंटरेस्ट किसी का? कोई इंटरेस्ट नहीं, सामान्य चुनाव क्षेत्र हो जाएगा। उसको इतना कहना कि नहीं ये हमारी स्ट्रेटजी है और हम अपना फार्मूला किसी को नहीं बताते, अरे भाई साहब विकल्प ही दो है, काय का फार्मूला है यार, झुट्टों का ड्रामा कर रहे हो, ये झुट्टों का ड्रामा मत करिए। जनता अब बड़ी फेडअप हुई, उसको लग रहा था कि नहीं ऐसा कोई, इतने दिन से सब दोनों पार्टियों में मीटिंग पर मीटिंग चल रही है, कोई बहुत भारी चमत्कार होगा, कुछ नहीं हुआ। अमेठी से राहुल गांधी लड़ेंगे लड़ेंगे, बात खत्म हो गई। केसरगंज में ब्रजभूषण घर में टिकट रहेगी, प्रियंका लड़ेंगी नहीं, बात खत्म, कथा समाप्त, इतनी तो बात थी, इसमें क्या गुप्त गोपनीय रखना था? धन्यवाद। एक विज्ञापन है, जरा देख लीजिए। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल बोलो जुबान केसरी। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। मान गया बेटा, पर अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। ना 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 ना। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर एक। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर वन सीमेंट। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं, सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। ये वाला लेते हैं। इन्वर्टर एसी। आप गैम्बलर हो ना? गैम्बलर? जुआ खेलते हो ना? तुम जुआ खेलते हो? अरे नहीं, ये तो कुछ भी बोले जा रहे हैं। इतनी महंगी और नाजुक एसी खरीद कर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो ये जुआ नहीं हुआ तो क्या हुआ? सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपके इन्वर्टर एसी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है, उसे वी गार्ड से सुरक्षित रखिए। वी गार्ड, इंडियाज नंबर वन स्टेबलाइजर। आज कांग्रेस ने कहा कि फला नेता गांधी परिवार के आशीर्वाद से नेता बना, फला गांधी परिवार के आशीर्वाद से बना, लगा जिसे भभूत माटी हो कांग्रेस गांधी परिवार ने जिसके माथे पर लगा दी वो सिद्ध हो गया। मुझे लगता है ये भाषा, ये सोच लोकतंत्र के मिजाज के विपरीत है। कोई पार्टी, कोई नेता तब बड़ा बनता है जब उसके पीछे असंख्य कार्यकर्ताओं का समर्पण और उनका परिश्रम और पसीना लगता है। महत्वपूर्ण कार्यकर्ता है, महत्वपूर्ण जनसमर्थन है, वही गांधी परिवार बनाता है ना। ये कोई परिवार, कोई नेता जिसके साथ जनता नहीं, वो हाईकमान छोड़िए, वो तो अपनी कमान का भी नहीं रहा, हाईकमान क्या होता। इसलिए महत्वपूर्ण जनता को मानिए, जनता से आने वाले सामान्य कार्यकर्ताओं को मानिए जो आपकी गाड़ी के पीछे नारा लगाते हुए भागते हैं और आपको महान घोषित करते हैं। ये गलत फहमी मत पालिए, नेता हैं तो कि हम हैं इसलिए ये सब कार्यकर्ता जिंदा हैं, ऐसा नहीं, ये कार्यकर्ता हैं इसलिए आप हैं। नमस्कार।